है इसके वाले से होते हैं। जो इस समय वीकली लॉकडाउन लगाया सैटरडे और संडे को, मैं समझता हूँ कि इस समय जरूरत है लॉकडाउन लगाने की, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केस एकदम पीक पर आ गए हैं और इस समय आप देखोगे कि 3 लाख केस हिंदुस्तान के अंदर पहुँच गए हैं और पूंछ के अंदर भी इस समय बहुत बड़ी संख्या केस हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कल 2600 केस आए जो एक रिकॉर्ड टूटा है। इसलिए मेरे आपके माध्यम से लोगों से ये अनुरोध है कि जो सरकार की गाइडलाइन है हमें उसको मानना चाहिए, और अगर जरूरी ना हो तो छोटे बच्चों को लेकर बड़े बुजुर्गों को घर से बाहर ही निकलना चाहिए, और जो लोग भी आए वो डबल मास्क पहनकर आए ताकि अपना बचाव कर सके। इस कोरोना से बचने का सबसे एक ही उपाय है कि भीड़ भाड़ में न जाए और मास्क पहने और जो सरकार की गाइडलाइन उसका पालन करें। गुप्ता सर, इस लॉकडाउन में कौन कौन सी दुकानें खुली रही हैं? इसमें जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे सब्जी की है, किराना है, मेडिकल शॉप है, होटल है, ये खुले रहेंगे, बाकी सारी दुकानें 2 दिन के लिए बंद रहेंगी। आप भी मीडिया के वाले से क्या कहना चाहोगे, लोगों से अपील करें? मेरी यही अपील है लोगों से कि लोग जो सरकार की गाइडलाइन आती है उसका पालन करें, मास्क के बिना कोई भी घर से बाहर ना निकले, अगर हो सके जैसे पिछली बार डबल मास्क पहने था डबल मास्क पहने, और छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग हैं उनको घर से बिना मतलब के घर से बाहर ना आने दें। मेरी यही सभी लोगों से अनुरोध है कि सरकार की गाइडलाइन को पालन करें। बंद करो जी। यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर पास किया जिसके तहत एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो खुली रहेंगी, बाकी नॉन एसेंशियल सर्विसेज बंद है। ये वीकेंड कर्फ्यू है, सोमवार तक जारी है। तो सर कौन कौन सी दुकानें खुली हैं? दुकानें मसलन करियाना की दुकान है, जिसमें सब्जी की फ्रूट्स की हैं और मेडिसिन शॉप वगैरह की है। बस बंद करें, जल्दी करें।